हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हर्षाय चोपड़ा। छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपने डीएमई की वेबसाइट पर एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए एक नया नोटिस डाला है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस नोटिस में। तो ये 7 जनवरी 2020 का नोटिस है। इसमें लिखा है, सत्र 2020 में चिकित्सा शिक्षा अधीन शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में संचालित एमबीबीएस बीडीएस बीपीटी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश में रुचि रखने वाले आवेदक एवं उनके अभिभावक के सूचनार्थ यह विज्ञापन प्रकाशित है। अवगत है कि नीट यूजी 2020 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य की काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी, जिसकी संबंधित सूचनाएँ जैसे पंजीयन, काउंसलिंग, समय सारणी इत्यादि की जानकारी हेतु आप सभी वेबसाइट www.cgdme.co.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, ताकि समय समय पर जारी महत्वपूर्ण सूचना आपको प्राप्त हो सके। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा जन चिकित्सा फिजियोथेरेपी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2018 वेबसाइट पर उपलब्ध है। निम्न दस्तावेज की सूची आपके ऑनलाइन पंजीयन आवेदन के समय उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि स्क्रूटनी में प्रदर्शित किए जाए तथा प्रवेश हेतु बैक के अंतर्गत उल्लेखित दस्तावेज भी उपलब्ध करना आवश्यक होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरोगे, आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपका नीट रिजल्ट, नीट का एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, छत्तीसगढ़ राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद में अगर आप किसी SC ST और OBC से आते हैं तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद OBC से आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप सैनिक या फिर PWD वगैरह से आते हैं तो भी उनका सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद EW कैटेगरी अवेल करना चाहते हैं तो EW का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, EWS का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में चाहिए। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर की आवश्यकता होगी, जो आपको सीट अलॉट होने के बाद में DME द्वारा दिया जाएगा, काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद में आपका एक रूरल बॉन्ड जो साइन करके देना होगा। इसके बाद में एक कोर्स छोड़ने का, अगर कोई स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ना चाहता है तो उसका बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड साइन करके देना होगा। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा, TC, इसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कोई गैप है 12th के बाद तो गैप सर्टिफिकेट देना होगा। आधार कार्ड की कॉपी या फिर अन्य कोई फ़ोटो ID है वो देना होगा। पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ, 4 फोटोग्राफ चाहिए इसमें नेगेटिव से बनी हुई। इसके बाद में जो आपने फ़ीस डिपॉजिट की है उसकी रिसिप्ट चाहिए। शिक्षण शुल्क, नॉन गवर्नमेंट शुल्क या निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु 1 वर्ष की शिक्षण शुल्क बैंक गारंटी। तो इस प्रकार की ये फीस चाहिए आपको। तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये फीस आपको डिपॉजिट करना है एडमिशन के टाइम में, ये लिखा है इसमें। इसके बाद में इसमें लिखा है कि आप ऐसे व्यक्ति या एजेंट को आपके पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने का जो प्रलोभन देते हों उसके जाल में आपने नहीं फंसना है, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई पेमेंट वगैरह है ऐसे आदमी को आप न दें। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें आगे लिखा है कि आप इसकी वेबसाइट cgdme.co.in पर नियमित रूप से अवलोकन करते रहें, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। इसका ये नोटिस डाउनलोड करने के लिए cgdme.in में MBBS BDS गवर्नमेंट कोटा पर क्लिक करेंगे। इसमें UG दस्तावेज लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि नीट रिजल्ट आ जाने के बाद जो छत्तीसगढ़ स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज में 85% स्टेट कोटा सीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ की प्राइवेट कॉलेज में MBBS BDS एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यह एक ओपन स्टेट है।
लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, नीट का रिजल्ट आ जाने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग के टाइम पर आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको आगे क्या करना है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।